हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सारिका कुमार रेसिपीज चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और चटपटे पंजाबी छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप भटूरे के साथ, पूड़ी के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप सफ़ेद चने लिए हैं। इसको अच्छे से धोकर मैंने पानी में भिगो दिया था। लगभग 6 से 7 घंटे इसे भिगोना है। आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। देखिए, भीगने के बाद छोले जो हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं। देखिए, अच्छे से फूल चुके हैं छोले। अब इसके लिए हम एक पोटली रेडी करेंगे। एक मलमल का कपड़ा लिया है मैंने। इसमें डालेंगे 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी हरी इलायची, 1 काली हरड़, थोड़े से सूखे हुए आंवले। इसमें डालेंगे 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 2 लौंग डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच चाय की पत्ती। आप ध्यान दें कि चाय की पत्ती ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो ये झोले जो हैं वो कड़वे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इसको एक पोटली हम बना लेंगे और चारों तरफ से बांध कर ये पोटली रेडी कर लेंगे। जो छोले हैं वो कुकर में डाल दिए हैं मैंने। इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक और जो पोटली रेडी की थी वो डालेंगे। और इसको बंद करके हमें 1 से 2 विसल देनी है और लगभग आधा घंटा हमें इसको सिम गैस पर रखना है। आधे घंटे के बाद जब कुकर ठंडा हो जाएगा तो हम इसको खोल देते हैं। और देखिए, छोले जो हैं वो अच्छे से उबल गए हैं, अच्छे से बॉईल लग रहे हैं ये। अब जो पोटली हमने डाली थी उसको हम बाहर निकाल देंगे। अब इन छोलों को हम छान लेंगे और जो इसका पानी है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा उसको भी हम यूज़ करेंगे। छोलों को हमें मैरिनेट करना है पहले। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चना मसाला, मैंने MDH का चना मसाला यूज़ किया है। साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अनारदाने का पाउडर और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएं छोले। और जब तक ये मैरिनेट होते हैं तब तक हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे। देखिए, इस तरह से एक आयरन की कढ़ाई ली है मैंने। इसमें डाला है 3 से 4 चम्मच घी और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से हमने कुक करना है। और इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर और इसको अच्छे से चलाएंगे। और इसमें डालेंगे 1 प्याज की प्यूरी, यानी कि 1 प्याज को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था वो इसमें डालेंगे। और जब तक प्याज जो है वो अच्छे सा इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक इसको भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर की प्यूरी, अच्छे से कुक करेंगे इसको। और अब इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च, अच्छे से चलाएंगे इसको। हम इसको तब तक भूना जब तक कि घी ना छोड़ दे। 5 से 7 मिनट इसको करने के बाद इसमें जो चने थे वो डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखे थे और जो पानी था वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। देखिए, आयरन की कढ़ाई में छोले बनाने से जो कलर है वो बिल्कुल जो हलवाइयों का कलर होता है वही आएगा इसमें। बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा छोलों में। देखिए, अच्छे से मिला देंगे और इसको इसमें 1 ग्लास के लगभग पानी हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको 15 से 20 मिनट तक अभी पकाना है ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिल जाएँ। और देखिए, मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से कुक करना है 15 से 20 मिनट। अब देखिए, काफ़ी जो है वो ग्रेवी जो है वो रेडी रख रही है लग रही है छोले की। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। इस तरह से पैन में मैंने घी डाला है 1 बड़ा चम्मच और थोड़ा सा हींग डाला है 1/4 टीस्पून और 3 से 4 हरी मिर्चों को बीच में से स्लिट करके इसमें डालेंगे। हींग और हरी मिर्च का जो तड़का है वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है छोलों में। और देखिए, इस तरह से इसमें डाल देंगे हम छोलों में इसको। और देखिए, बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तड़के को। अब इसमें थोड़े से पनीर के टुकड़े इस तरह से काट के डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। इसमें भी इससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे ऊपर से और छोले जो हैं वो बिल्कुल रेडी लग रहे हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। देखिए, बिल्कुल रेडी हैं छोले। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से इसको
मिक्स कर लेंगे। और छोले जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं सर्व करने के लिए। इसे आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या भटूरे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको पूड़ी या भटूरे की रेसिपी देखनी है तो मैं इसके लिंक्स जो हैं वो इसमें शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ मैं मिलती रहूँगी। थैंक यू।